वजह ये है कि वे जो सभा सदस्य हैं वो जीत जाते हैं, अपने घर बैठ जाते हैं, उसके बाद में कोई जाता है मेल का आदमी, वो फिर कहते हैं हम आधे घंटे बाद भी लेंगे, घंटे बाद भी लेंगे। कर्मचारी तो आते हैं लेकिन सब अपने अपने चलाते हैं, तो थोड़ी देर काम करे चले गए, बस थोड़ा ही सफाई होती है, लेकिन ऐसी नहीं जो होनी चाहिए सफाई ना। मैं खुद अपनी गलियों का पैसे दे के खुद कराता हूँ उनसे, काम कर्मचारियों से पैसे खुद देता हूँ मैं, किसी को 300 किसी को 250 जो अपनी गली की सफाई कराता हूँ। ये अगर मेरा कोई सर्वे करा हुआ इस बात को तो इंशाल्लाह सबसे ये बात निकलेगी, हाँ सलीम भाई यहाँ पैसे देकर कुछ सफाई कराते हैं। ये अब्दुलगंज में जैसे लोग बाग ने सुने कि मैं इस वार्ड से खड़ा हो रहा हूँ, लोग बाग पास मेरे पास आ रहे हैं, उनसे मेरा ये कहना है कि भाई ईद जैसे 4-5 दिन ईद के रह गए हैं, हर घर पर मैं जाऊँगा और उनकी जो भी समस्या है वोट की, किसी की भी वोट बनने की, वो सब खत्म होगी। राशन कार्ड जो भी बनना है उनका, इंशाल्लाह ताला हर घर पर जो भी मेरे वार्ड में लगता है सबको ही करूँगा। मैंने खुद दिए, 300 रुपये भी दिए, 100 भी दिए, 50 भी दिए। अभी एक गली में अलीम डॉक्टर की बराबर में सामने हमारे ही महल में अलीम डॉक्टर है, उनके बराबर में मैंने खुद पैसे दे के एक आदमी को लगाया कि भाई यहाँ पे सब सफाई सुथराई अपना होनी चाहिए, जो सब मुझे सपोर्ट भी है, महल्ले वाले भी मुझे वो रखे कहाँ भी इनकी तरफ से हुआ, उसमें आज तक कोई भी आदमी नहीं गया। जब मैंने भी इरादा करा जैसे खड़ा होने का, महल्ले वाले मुझे खड़ा कराया, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे जो है सफाई करने वाले जितने भी यहाँ के इस वार्ड से 8-9 के वो है, मैं चाहता हूँ कि मुझे जितनी भी वोट मतलब जो मेरे उसमें आती हैं मुझे वोट दें, और ईद की आने वाली जो है उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं आपको सबको। मैं पूरा देश सभी क्षेत्र वासियों को, शहर वासियों को और सारे हिंदुस्तानी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली रोड पर, हमारे साथ है खेतों के शराब के धंधे के इंचार्ज दीपक जी, जो हमने बताई शराब के धंधे के बारे में ये जानेंगे जो ओवर 80 रुपये का नाम नहीं ले रही है। जब आईएसपीएन की टीम ने इसकी जांच पड़ताल की और लोगों से जाना कि अब भी सरकार बदलने के बाद भी जहाँ सरकार अपने कड़े रूप अपना रही है, कड़े सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है हर चीज़ पर, क्या ओवर रेटिंग अब भी हो रही है, तो लोगों का साफ कहना था यहाँ पर ओवर रेटिंग नहीं हो रही। ज़्यादा बात करने के लिए कुछ इंचार्ज साहब हमारे मौजूद दीदी को उनसे जानेंगे ओवर रेटिंग जो इंचार्ज होने के नाते अपना कार्य का बिल्कुल आप पालन करते हैं, हर चीज़ का पालन करके ही देखते हैं कि अगर ओवर रेटिंग पाई जाती है जी, अगर कोई अच्छी शिकायत करता है आपको जो भी सबसे ओवर रेटिंग करता पकड़ा गया जी, तो आप कार्रवाई करते हैं जी, और उसे फौरन नौकरी से बाहर जी जी, जी। तो यही कहना गलत नहीं है कि बिल्कुल भी ओवर रेटिंग यहाँ पर नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा जी, पर ऐसा हो भी नहीं रहा है। नहीं ऐसा हो भी नहीं, आपने भी चेक किया है जी, हमने भी जाना है लोगों से पूछा, हमने लोगों से पूछताछ की, ओवर रेटिंग हो रही है, लोगों ने भी बताया ओवर रेटिंग कहीं भी नहीं है।